बाय बाय। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल, एक नए व्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। भाई दिवाली की जो शॉपिंग है वो अभी इन लड़कियों की हुई नहीं है, तो मासी और निधि अभी अभी बाजार के लिए निकले हैं। वो कह रहे थे, मास्टर जी को भी बोल रहे थे और मेरे को भी बोल रहे थे कि आप भी चल पड़ो। मैं कहा भाई ना, बाजारों में धक्के निकल जाएंगे हमसे, तुम लोगों ने लेना है बाजार, घूमना है, चीजें लेनी है, तुम लोग जाओ। तो वो लोग गए हैं, अभी हम बैठे हैं, बातें बुते कर रहे हैं, अभी गुड़ मंडी गए हैं। वो डेकोरेशन का सामान लेना था, कुछ ये दिए दुए पता नहीं क्या क्या लेना है। अब जब आएगी तब आप लोगों को दिखाएंगे कि कौन कौन सा सामान जो है वो लेके आए हैं। अभी बज गए शाम के 8 और अभी जो है निधि बाजार से हैं हम, और 4 घंटे में गाइस इन लोगों ने ये सामान खरीदा। बस 8 बज गए हैं, अभी 3:30 बजे निकले थे आप लोग 3:40 पे, मतलब इतने ही सामान लिए 4 घंटे में। इतना रश ना, मेन मिक्सी लेने गए थे ना अम्मा, इतना रश आप मानोगे, हम ये सोच रहे थे उठा के लिए कैसे जाएगी ऑटो तक, इतना रश था, बहुत रश था। मैं कहा छड़ो उठा ही नहीं जाएगी अपने से, इतनी बड़ी तो थी, उठानी बहुत औखी थी। चलो अभी गाइस जो जो निधि सामान लेके आई है वो देखते हैं, मैंने भी अभी तक देखा नहीं है तो चलो दिखाओ। बाकी मैंने कम सामान इसलिए लिया क्योंकि मैंने ऑनलाइन भी चीजें मंगवा ली थी, 4-5 पार्सल घर पे आए, तो मैंने सोचा कि ऑलरेडी सामान मेरा आ चुका है तो कम ही लेते। पहले तो ये सबसे पहले गाइस ये है, ये लड़ियां है ना, ये पता कहाँ लगाऊंगी मैं, जो ये ग्रिले नहीं वाली ऊपर चढ़ने वाली, उसमें से लपेट लपेट के। ओके तो मैं दिखा दे, ये आप इस कितने लेके, ये 2 पीस, इसमें है 5-5। अच्छा इसमें 5-5 लड़ियाँ, 5 है इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 10 लड़ियाँ और 3 हार इस तरह। अच्छा ये अच्छा फोटो पे डालने के लिए, अच्छा ये दादा दादी और पापा के फोटो पे डाल देना गाइस। मम्मा कितने का होगा एक हार है, आईडिया दसो, मतलब क्वालिटी के हिसाब से आईडिया बताओ आप। 40 रुपए सही है ना, 40 रुपए दसा होना सही दिया, 40 रुपए इसका पड़ा है। और निधि और मासी गए थे आज गुड़ मंडी मार्केट, तो वहाँ पे तो सामान सस्ता ही आपको पता ही है, जो लुधियाना से रहते हैं उनको पता होगा। और इसका क्या प्राइस था, ये है 165 के 5 पेयर, मतलब एक पैकेट ये 165 का, और ये बाजार में एक पीस अगर लेने जाओगे ना आप 70-80 रुपए का एक पीस। अच्छा तो ये सही है यार, 165 रुपए के हिसाब से, बीच में लगाया गया सेल उसे डबल साइडेड टेप से, दिखाना छोटा सा प्यारा है। ये कितने का लिया, 32 रुपए का, ये 32 रुपए का है, सही है यार, ये मेरे बहुत ज्यादा पसंद आया। ये क्या चीज है, अच्छा गेट पे लगाने के लिए है, सही है यार, सुंदर है, बहुत सुंदर है ये तो मेरे को ना एक नजर में ही पसंद आया। हाँ कितने का ये, 165 का है, सही है। और इसके साथ का मैंने मंगवाया था ऑलरेडी मीशो से, तो इसलिए मैंने ये मंगवाया, ये वाला लिया, कंट्रास्ट हो जाएगा इससे। सही है, बहुत अच्छा लगा गाइस, आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको। प्राइस के अकॉर्डिंग सही बताऊं बहुत सही लगे मेरे को, खासकर हार, यार हार की जो क्वालिटी है लग नहीं रही, 40 रुपए वाली क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी लग रही है काफी। और गाइस ये देखो पार्सल, दिवाली की शॉपिंग 5 यहाँ पे पड़े हैं गाइस, 5 ऑलरेडी आए हुए हैं, 10 पार्सल, तो इनको भी अनबॉक्स करते हैं जल्दी से और आपको दिखाते हैं। निधि कह रही है इतना ज्यादा रश था मार्केट में कि व्लॉग बनाने की फुर्सत ही नहीं मिली इन लोगों को, बिल्कुल नहीं टाइम लगा व्लॉग बनाने का। मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स लगाई है, वो लोग आप व्लॉग में एंजॉय कर लेना, बट बहुत क्राउड, इतना क्राउड में कोई ये था कोई मेरा फोन ही ना खो के ले जाए या मेरे से गिर ना जाए, इतना लोग आपस में भिड़ रहे थे, बाइक ऐसे टकरा रही टक इधर इधर इधर, बहुत अच्छा। तभी तो गाइस आप लोग कहते हो ना कि ऑनलाइन क्यों शॉपिंग करते हो, इसलिए शॉपिंग ऑनलाइन करते हैं। तो गाइस टोटल ये है हमारी दिवाली की शॉपिंग, कुछ ये अभी हमने बाजार से लाए हैं और ये ऑनलाइन आए हुए हैं, सब कुछ अनबॉक्स कर दिए हैं, कुछ अनबॉक्सिंग को बाकी है। चलिए जल्दी से मैं और निधि मिलके इनको अनबॉक्स करते हैं, चलिए गाइस जल्दी से अनबॉक्स करते हैं, जो अनबॉक्स किए हुए हैं वो भी आप लोगों को दिखाते हैं और जो अनबॉक्स नहीं हुए हैं वो भी आपको दिखाते हैं। ये क्या फूल था, देखो ना फूल, वैसे पता क्या लग रहा जब मैंने, मेरे को लगा ऐसे दीवार पर लगाने के लिए, दीवार में लगा सकते हैं, ऐसे दीवार पे लगा सकते हैं, देखो गाइस
आप लोगों को बताते हैं साथ साथ में कितने का ये मंगाया है ना। ये तो सही है वैसे, ऐसी चीजें तो अगले साल भी काम आ जाएंगे। तो यही है ना, इसमें तो बड़ा सही जगह लग रहा है, इसमें बहुत बड़ा ये है ना गाइस, फोटो में बड़ा बड़ा दिखाया हुआ है। 261 रुपीज का गाइस ये। अच्छा, इसके बीच में भी फूल रखेंगे और आसपास भी? नहीं बस बीच में, बीच में बस। ओके, ये रखेगी कहाँ? दिए जला देगी छोटे-छोटे। रखेगी कहाँ है? इसको तो कहाँ पे रखूंगी, या वो वाले कॉर्नर पे या वो वाले कॉर्नर पे, मतलब सारी सेटिंग में चेंज कर दूंगी। ठीक है, चलिए अगला पार्सल खोल के जल्दी से। ठीक है, मंगवा दिया मैंने। ये तूने अपना वो नेकलेस? अच्छा, आप मेरे इतने दिन से बोल रहे थे तेरी कवर, तेरी कवर। ये क्या भाई, मैंने कब बोला? रेडमी का तूने आईफोन निकाला था, मीशो वालों ने गाइस स्कैम कर दिया। आई बोल गया रेडमी कैरी, ये साइज बड़ा कैसे हो गया मेरे फोन का? अरे उन्होंने आईफोन 16 प्रो का भेजा है, तेरे को पता नहीं है? बॉम्ब तो नहीं है ये, तो कड़ा कूड़ा लग रहा है यार। तुमने अपने लिए भी कुछ मंगाया क्या? नहीं। अच्छा, गणेश जी हैं। अच्छा, मीशो वाले गाइस क्या ये फोटो इतनी बढ़िया दिखाते हैं, इतनी बड़ी फोटो और रियलिटी में इतना छोटा भेजते हैं। ये तो क्वालिटी भी कुछ खास लग रही है। कितने का ये मीशो जी? मीशो भाई, ये तो गाइस मेरे को 1% भी नहीं पसंद आया, सही बताऊं तो ये ऐसा होगा रियलिटी में? ओ भाई, यहां तो बड़ा चलने वाला ऐसा लगेगा, पीछे मेरा रिफ्लेक्शन पड़ेगी ना गणेश जी की, पर लाइट बंद सुनना करेंगे हम। पर मेरे को वैसे देखने में पसंद नहीं है। 90 रुपए का ये महंगा है यार, क्वालिटी भी कुछ है नहीं। 90 से अच्छा है तो वो चीज लेके आइए। तो गाइस अगला है हमारा, ये गजरा मंगाया है क्या? यस। ओ हो 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 हो, क्या बात है, ये व्हाट्सएप है? ये कहाँ लगाएगी? बड़े सही है यार। ये तो मत पूछो कौन सा कहाँ लगाऊं, वो दिवाली वाले दिन गाइस वो आप डेकोरेशन वाले व्लॉग में देख लेना, उसका लहदा अलग से व्लॉग बनाएंगे। कितनी लड़ियां मंगाई है? एक, ये है टोटल 5, दो, तीन, चार है, चार। कितने रुपए की है ये? 4 लड़ियां व्हाइट कलर की। गाइस हमारी दोबारा शादी हो रही है। ये वॉशर वाला वैसे? हां प्लास्टिक है। 270। 270 की 4? हां बिल्कुल सही प्राइस। चलिए गाइस अगला गिफ्ट खोलते हैं। इसकी गाइस मैं यहां पे वीडियो साइड में लगा दूंगी, बहुत अच्छा लग रहा था जलाने के बाद। पे 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 कितने का? अच्छा है ना, 185 का गाइस। गुड है, खोलो खोलो दांत जी। कौन लोग रहा है आपको? आप लोगों को पता लग जाए। 200 का है। अच्छा दिया है इसमें। हाँ, ये जलेगा। ओके ओके ओके, इसमें तो नहीं आग लग जाएगी? नहीं, प्लास्टिक लिफाफे नहीं, उन्होंने बड़े तैयार। हाँ, पहला घरे बनाते होंगे सीधे। एक घरे बनाते सी मम्मा बता रहे हैं, ये हम लोग घर पे बनाते थे। ये गाइस 200 रुपीज का मंगाया है हमने। चलिए अगला पार्सल। ये ना गाइस बहुत जेन्युइन प्राइस में मिला है ये, मतलब मैं ना सेटिस्फाइड। कितनी लड़ियां हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। 6 है? बताओ कितने की होगी? होगी 150-200। 175 रुपीस। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, सच्ची बताओ। ये मेरे को बहुत पसंद आई है, मैं इसको लगाऊंगी। कहाँ इतनी सारी लड़ियां? लड़ियां लड़ियां रखियां कर दी है। पता क्या करना, एक दीवार के इधर, एक दीवार गेट के इधर, गेट के एक गेट के इधर। तुम यार मेरी बोले ना सलाह, अच्छी डेकोरेशन कर पाओगी। सही बात है, हम फाइन आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, इसमें इतना बड़ा प्यार है। इसमें है मेन चीज देखने वाली, मेन चीज देखने वाली। फिर लास्ट में बोलो। ठीक है, ओ भाई, ओए ऐसे देखो ना। ये क्या है?
ये है दीवारों पे लगाने के लिए। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा तू लगाएगी कहाँ पे इसको? स्टूडियो। ये कितने के हैं? 194 के। हो गए महंगे हैं यार ये। मतलब इससे बाहर लेके चलिए अगला और भी आ रहे हैं। ये तो खुला ही हुआ ये मैं कह रही थी उसके साथ कंट्रास्ट उसके साथ जो है इतने लड़ियां इकट्ठी कर ली। ये उसका है गेट वाला नहीं यार बताऊंगी धर्मपत्नी जी के ये देखने वाली चीज है। देखते हैं इसको खोल के अगर अच्छा ना हुआ ना तो देखेंगे। कोई इतना हल्का नहीं है अच्छा है यार प्योर पित्तल है लग रही छोटी मोटी शॉपिंग करी है हम लोगों ने। बाकी डेकोरेशन वाले ब्लॉग्स में आप लोगों को पता लग जाएगा कि हम लोग किस प्रकार से इन चीजों का यूज करके अपने घर को अच्छे से सजाते हैं। और जो बिजली की लड़ी हमने घर के बाहर लगानी है लाइट्स लगानी है वो भी हम कल लगा लेंगे और डेकोरेशन भी कल कर लेंगे। डेकोरेशन तो दिवाली वाले दिन ही होगी छोटी मोटी सैटरडे को हम कर देंगे। बाकी जो ये सब चीजें हैं जो फूल वगैरह लगाने हैं रंगोली बनानी है वो सारी मतलब संडे को ही होगी दिवाली वाले दिन। ठीक है ओके।